हेलो फ्रेंड्स, चामुंडा टेलीकॉम में आपका स्वागत है। आज हम MI A1 टच चेंज करेंगे लाइव, तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखे, स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। पूरा आपको लाइव दिखाऊंगा, चेक कर रहा हूं मैं। यहां पे देखिए, MI A1 है अपने पास यहां पे। तो आज हम इसका टच चेंज करेंगे, टच आता है इसका, ठीक है। ये मैं अभी स्क्रीन गार्ड निकाल रहा हूँ, ऊपर का स्क्रीन गार्ड निकाल के अपना काम शुरू कर देंगे आज, ठीक है। और ये वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, स्किप बिल्कुल ना करें, देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा साइड साइड कॉर्नर पे गम में गम ऊपर आ गया है, इसीलिए टच वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, अभी हम ग्लू रिमूव से हम इसे थोड़ा 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 साइड में कॉर्नर में लगाते रहेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा लगाएंगे, सब जगह कॉर्नर पे लगाते रहेंगे हम। ये देखिए, थोड़ा सा गैप देखते ही आप निकालने के बाद ओसी शीट या कोई भी पतला पेपर लीजिए, मोटा ना ले ज़्यादा, थोड़ा पतला ही लीजिएगा। डालते इसके अंदर डालने के बाद आराम से धीरे से निकाल दीजिएगा। ये देखिए निकल चुका है। डिस्प्ले को कभी बेंड मत कीजिए, आराम से निकालिए, कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें आप। नीचे स्ट्रिप रहता है और उसके स्ट्रिप के नीचे गमिंग रहता है, तो देख के निकालना पड़ता है। देखिए आपको जिस तरह दिख रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, स्ट्रिप के नीचे गम रहता है, स्टिकरिंग रहता है। हाँ देखिए, यहाँ पे बहुत संभाल के करना पड़ता है, नहीं तो डिस्प्ले कट हो सकता है। देखिए हाँ, यहाँ पे अभी मैंने निकाल चुका हूँ, डिस्प्ले निकाल दीजिए। ये हीटिंग मशीन पे निकाल रखा हूँ मैंने, अभी अपना प्रोसेस चालू होगा। हम रिमूव करेंगे अभी, ये देखिए ये निकल रहा है धीरे धीरे। और ये निकल चुका है ऑलमोस्ट, देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए टच है, ये ग्लास नहीं है। थोड़ा देख के एकदम से स्ट्रिप मत काटिएगा, क्योंकि इसके डिस्प्ले भी कनेक्ट रहता है। ये निकाल दिया मैंने, डिस्प्ले से अलग हो गया। देखिए टच है, ग्लास से मत समझिएगा आप। अभी हम गम रिमूव करेंगे इसका पूरा। यहाँ से पूरा रिमूव करेंगे। ज़्यादा डिस्प्ले को टच ना करें, इसमें क्रैक भी हो सकता है, आराम से काम करें। हैंडसेट इसलिए मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि आपको लाइव दिखा सकूँ पूरा, कि क्योंकि डिस्प्ले पूरा क्लीन नीट है, अच्छे से, कुछ डॉट नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ है, क्लीन है, इसलिए हैंडसेट ऑन रखता हूँ मैं। पूरा हैंडसेट क्लीन हो चुका है, अभी डिस्प्ले हम अच्छी तरह से इसको क्लीन करेंगे। थोड़ा सा अभी डस्ट ना आए, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप। जितना हो सके आप अच्छे से क्लीन कीजिए। देखिए पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है अपना, अभी देखिएगा हैंडसेट ऑन है, आपको दिखा रहा हूँ। अभी अपना ये टच रेडी है, विथ ओसी है ये टच, इसलिए हम ओसी शीट टच से कनेक्ट करेंगे। अभी हम कनेक्टर से जोड़ेंगे, डिस्प्ले कनेक्टर और इससे जोड़े जाएगा।
पहले हम पूरी अच्छी तरह से चेक कर लेंगे टच वर्किंग है कि नहीं। कभी भी आप टच कुछ भी इस तरह से रहे तो पहले चेक कर लीजिएगा, पूरी तसल्ली होने के बाद ही फिटिंग कीजिए। बिना चेक किए प्लीज़ मत करिएगा, अंधाधुंध काम ना करें, देख के अच्छे से काम करें। देखिए मैं जैसे चेक कर रहा हूँ टच सब जगह वर्क कर रहा है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी हम हमने अभी चेक कर लिया है तो अभी हम इसे फिटिंग करेंगे। अभी अपना चेक तो हो गया है, अभी तो अभी इसे इसके ऊपर हम उसी शीट डालेंगे। साइज़ देख के काटिएगा, ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। इसके ऊपर लगाया स्टिकर है, ये ऊपर स्टिकर है, टच के ऊपर स्टिकर है, अंदर का स्टिकर है, ऊपर का नहीं अंदर का स्टिकर है। ध्यान रख के करिएगा, वहाँ पे कनेक्टर देखिए यहाँ पे स्ट्रिप है, निकालते वक्त एकदम से मत फाड़िए, धीरे से निकालिएगा नहीं तो स्ट्रिप के साथ भी फटके आ सकते हैं आपके हाथ में, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए अभी मैंने उसे शीट टच के ऊपर लगा रहा हूँ, इस तरह से रोल किया और लग गया, ठीक है। अभी हम साइड में बच्चा को जो भी हम काट देंगे निकाल देंगे इसे, इस तरह हम इसे निकाल देंगे। अभी अपना ये रेडी है और भी हम और एक बार थोड़ा इसे क्लीन कर देंगे ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो सके और हमें तसल्ली हो सके कि हाँ क्लीन हो चुका है। अभी हम इस टच को इसके ऊपर अच्छे से फिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा अच्छे से करेक्ट फिटिंग फ्रेम में बैठना चाहिए, आड़ा टेढ़ा ना बैठे। देखिए अभी देखे मैंने अभी बिठा दिया इसे, अभी हम इसे पंचिंग मशीन में रखेंगे। देखिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से काम करें। ये देखिए मैंने अभी पंचिंग मशीन में इसे रख दिया है, अपना काम अभी स्टार्ट हो चुका है, मशीन का काम अभी स्टार्ट हो चुका है। आपको पूरा लाइव ही दिखा रहा हूँ मैं, प्लीज़ थोड़ा स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा भी मग ना करें, हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, जितने लोगों को जानकारी जाएगी उतनी अच्छी है। ये देखिए पंच हो रहा है, एक मिनट का सफ़र है अपना ये। अच्छी तरह से पंच हो जाए, ये देखिए पंचिंग हो चुका है अपना MIA1। ये देखिए अभी जो कि आपको दिखा रहा हो ये दिख रहे जैसे बबुल्स है, तो ये बबुल्स रिमूवर में हम रखेंगे। अपना एक फर्स्ट स्टेप हो चुका है, अभी सेकंड स्टेप है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है और ये हो चुका है अपना। देखिए टच पैड को हम डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये बबुल्स नहीं है, अच्छा फिनिशिंग बैठा है, नीट एंड क्लीन हो चुका है अपना, अच्छे से काम हो चुका है। अभी हम गम से फिट कर देंगे, ज़्यादा गम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लगाए। ये अपना डिस्प्ले फिटिंग हो चुका है आज का। अभी हम इसे रबर बैंड
से फिट कर देंगे, रबर बैंड डाल देंगे इसके ऊपर। ज़्यादा प्रेस ना करें, जोर भी ना लगाए, आराम से एक दो रबर और डाल देंगे हम इसके ऊपर, ताकि अच्छी तरह से फिटिंग हो सके। आधा एक घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।